जी, अभी अभी ओलंपिक्स खत्म हुआ है और हमारे देश के खिलाड़ियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा अर्चना जी, अमेरिका, चाइना और जापान, इनको सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदुस्तानी किसी से कम है। आप विदेशों में जाओ, वहां पे तो सिर्फ एथलीट भागते हैं, हमारे यहाँ पे तो जो एथलीट नहीं है वो भी भाग जाते हैं। उनको खाली लोन दिलाओ आप बैंक से, फिर देखना किसी का बाप नहीं पकड़ सकता उनको। अब बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को देखो, लंबे चौड़े होते हैं, अमेरिका वाले तो और लंबे लंबे होते हैं, 10-10, 12-12 गोल डालते हैं ना बास्केट में। मैं कहता हूँ हमारे नेताओं को खिला के देखो। क्यों? आप देखो जो सरकार बनाते वक्त 100-150 एमएलए को एक ही रिजॉर्ट में फेंक देते हैं, वो क्या बॉल नहीं डाल सकते? हमारे देश में अब स्पोर्ट्स को बड़ा प्रोत्साहन मिलने लगा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो लोग खेलते इसलिए थे कि सरकारी नौकरी मिल सके। अब सोचो कबड्डी का खिलाड़ी रेलवे में टीसी लग गया, अब उसका ध्यान ये नहीं कि टिकट किसके पास नहीं है, उसका ध्यान ये होता कि टिकट किसके पास नहीं है उसको कबड्डी कबड्डी करके खेलना। यही होता था। स्पोर्ट्स में बड़ी जान लगती है अर्चना जी। मैं आप हमारे जो हॉकी खेलने वाले हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ। हॉकी बड़ी जान वाली गेम है, ऐसे झुक के पूरा टाइम हॉकी लेके और 70 मिनट आपको भागते रहना है। मैंने उस दिन आपको देखा है, अर्चना जी का 1 रुपए का सिक्का गिर गया, वो रोल हो रहा था उसी को, ओ माय गॉड। अर्चना जी कभी आपने पोलो खेलते देखा है प्लेयर्स को? मैं दिनेश को ले गया एक दिन पोलो दिखाने, मैंने कहा बता कौन सी गेम है, कहता है तो हॉकी, लेकिन इनकी रात को ज्यादा होगी, घोड़े पे चढ़ के खेल रहे हैं। आपने कभी वेट लिफ्टिंग वाले खिलाड़ियों को देखा है? सामने रॉड और प्लेट्स डाल के रखी होती ना, किसी को नहीं पहचानते वो। हाँ। रिश्तेदार भी आए हो चाहे मैच देखने, उनको होता कि उसके बाद में वो ऐसे बेंट हो गए, कितना जोर लगा के उठाते हैं ना वो। मतलब उसके लिए कंधे तो मजबूत चाहिए, जो आपने चड्डी पहनी वो बड़ी मजबूत चाहिए। क्योंकि जिस फोर्स से वो नीचे बैठता है ना, काम खराब होने का डर रहता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बंदा नाम कमाने के चक्कर में इज्जत भी गवा है। मैं तो कहता हूँ ये जो होती ना कि चड्डी बनियान की एड, ये खिलाड़ियों से करवानी चाहिए। हाँ। क्योंकि इनको पता होता है कौन सी चीज मजबूत है कौन सी नहीं। रेसलिंग जब होती है खिलाड़ियों को अपने वजन पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर 55 किलो वाला उसका 1 किलो ऊपर चला गया तो उसको 60 की कैटेगरी में खेलना पड़ता है। आपकी तरह नहीं, 4 अंडे मंगवाए तो 8 पेल लिए। वहां अगर खिलाड़ी ने गलती से भी इतना सा खा लिया ना, तो उनको अनीमा करवाना पड़ता है। फिर अंडा तो बाहर निकलता है, मुर्गी भी बाहर निकल जाती है। अच्छा, कुछ खेल एडवेंचर के लिए बने होते हैं, जैसे बंजी जंपिंग हो गई या ये पैराग्लाइडिंग हो गई। कई लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हैं ना जानबूझ के, बेबी इट्स फन, अच्छा यू शुड ट्राई इट, यू नो इट्स थ्रिल, कम ऑन। लड़की को रस्सी से बांध के नीचे 1000 फुट की खाई में लटका देते हैं। वो लड़की मन ही मन सोच रही होती कि अगर मैं ऊपर चली गई वापस सेफ, तो जाते पहले से मैंने ब्रेकअप करना है, क्योंकि बेचारी लटक रही है। उसके बाद वापस आती, दिक्कत तब होती जब वो मुकर जाती, बेबी इट वाज सो फन, यू शुड आल्सो ट्राई दिस, या मजा आएगा। और फिर लड़के को भी बांध के जब 1000 फीट खाई में वो देखता है ना, ऊपर से लड़की 200 रुपए और देती, भैया और थोड़ा ढीला छोड़ो ना थोड़ा। तब लड़के को अपनी माँ की बात याद आती है कि ये लड़की तुझे धोखा देगी। ये पांडे गया एक दिन बंजी जंपिंग करने, इतना डरा हुआ उन्होंने चेहरा पढ़ लिया इसका। अच्छा। वो कहते हैं साहब को रस्सी बाद में लगाना, पहले डायपर लगाओ। आप कभी विदेशों में पैराग्लाइडिंग करने जाओ, उनके साथ में एक एक्सपर्ट रहता है, यहाँ पे भी एक्सपर्ट रहता है एक साथ में। विदेशों में क्या होता है, वो उनको बड़ा भरोसा आता है अपने प्रोफेशनल्स के ऊपर। अगर उसने बोल दिया ना गोरे ने कि यस डन गो अहेड, वो मान जाते हैं। हमारे लोग जो पहली बार करने जाते हैं ना पैराग्लाइडिंग, खुद तो डरे होते हैं, उसको भी डरा देते हैं। रस्सी बांध रहा, भाई पहले कभी किया तूने? दारू वारू तो नहीं पी तूने? बोलता नो नो मैंने दारू नहीं, तो मेरे को रम लगवा दे, मेरे को डर लग रहा है। ऐसे लोगों की आप देखना फिर, इनके वीडियो बड़े वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे। ये कूद गए हैं अभी ना पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, और बीचे जो एक्सपर्ट होता है वो लात मार रहा था, अबे पैर ऊपर कर मरवाएगा क्या है? जो गोरे लोग होते हैं ना, गोरे लोग ये जब कभी ग्रुप में जाते हैं ना, एक दूसरे को बड़ा चेयर करते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट, कहीं फंस जाए तो और करते, या यू कैन डू इट, ट्राई ट्राई ट्राई। हमारे लोग डराते बड़ा है। अच्छा। रिवर राफ्टिंग ले चले जाओ आप हरिद्वार, वो जाते हैं ना वो बनाना किश्ती छोटी सी लेके ना, तो बीच में एक ग्रुप में एक मनहूस आदमी बड़ा होता है जो डराता है, भाई ध्यान से ये मैंने गूगल में पढ़ा है,
यहाँ आदमी वापस नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। बड़े हादसे हुए हैं, ये ओ कोने में जाके पानी ऐसे घूमता, अंदर खींच लेता आदमी को, बाकी तू देख ले। तो आदमी अपने आप को हौसला देता, नहीं नहीं मुझे स्विमिंग आती है। स्विमिंग भैया, स्विमिंग पूल में होती है, समंदर में काहे की स्विमिंग। हमारे पिताजी कहते हैं जितना बड़ा तैराक उतनी बड़ी मौत। वो आदमी को इतना डराते थे, उसने फीस भरी होती है, बाहर बैठ के नूडल खा रहा था, बाढ़ में क्या मेरे को करनी नहीं। हमारी अर्चना जी स्कूबा डाइविंग की बड़ी दीवानी है। अच्छा। हाँ, इनके पति ने स्कूबा डाइविंग करने भेजा, अंदर अकेली गई, बाहर आई तो मुंह में दो मछलियां, हाथ में चार मछलियां। मैंने उन्हें तो रात के खाने का इंतजाम कर दिया। हमारी अर्चना जी का मेन जो फेवरेट खेल है ना, इनकी मम्मी जी ने बताया मुझे, यदि वो रुमाल झपटा नहीं होता जो गोले में रख देते हैं रुमाल, और फिर दो खिलाड़ी ऐसे रुमाल झपटते हैं, ये लड़पड़ी रेफरी के साथ, कहती रुमाल की जगह मेडल रखो, जिसने छीना उसका। ऐसे नहीं होता है, मेडल छीन के नहीं लेके आते, वैसे लेके आते जैसे हमारे खिलाड़ी लेके आए। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम दोनों के सदस्य मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो 2020 में शानदार परफॉर्मेंस दिया और दोनों ने देश का सर गर्व से ऊंचा किया। तो चलिए उन्हें मंच पे बुलाते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।